में कांग्रेस के बड़े नेता अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनको ज्वाइनिंग कराई। मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होके जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, देश में हर जगह से जो लोग इस बात में यकीन करते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स को अब एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे मुद्दों से हटके जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित नहीं करते, ऐसे मुद्दों पर आना चाहिए जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली में उसमें काम हुआ, पंजाब में उसमें काम था, सरकार बनने के बाद शुरू हो गया, तो उससे प्रभावित होके ऐसा आप देख रहे हैं। अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, AICC के सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई प्रदेशों के इंचार्ज रह चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं, वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मकसद वही है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, केजरीवाल जी की राजनीति को हरियाणा में भी आगे लेके जाना और देश भर में इनके अनुभव का पार्टी को भी फायदा मिलेगा। इनके साथ साथ हरियाणा से पत्रकार शिव कुमार शर्मा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं और संदीप भारद्वाज जी और विशाल विकास भारद्वाज जी जो काउंसलर हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी में, आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा आपके दो शब्द रखें। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय हमारे सुशील गुप्ता जी, भाई महेंद्र जी और तमाम साथीगण जो आज और साथी ज्वाइन हो रहे हैं वो भी और सभी हमारे मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे भी और हमारे जो आज जो हम सभी साथियों की एक इच्छा थी कि कुछ इस देश के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, छोटे दुकानदार की कर्मचारी की लड़ाई लड़ी जाए और इस देश को बचाया जा सके। और जो अभी हमारे मनीष जी ने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ वो विचारधारा जो पूरे देश को एक जोड़ करके और भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो कुर्बानियों के इतिहास में विश्वास रखती है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहती है, उस मॉडल के साथ हम लोगों ने और हमारे साथियों ने अपने आप को जुड़ा महसूस किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो एक आशा की किरण है, एक रोशनी की किरण है। मैं तमाम साथियों को